देश की राजधानी दिल्ली में भले ही यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि जिन इलाकों से पानी उतर रहा है वहां अब नई मुसीबतें सामने आ रही है, क्योंकि इन इलाकों में अब मलबा और गंदगी का आलम है। इतना ही नहीं, अब बीमारियों का भी खतरा मंडराने लगा है। उधर ASI ने कहा है कि पानी कम होने के बाद ये भी जांच की जाएगी कि कहीं लाल किले को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। यमुना बाजार इलाके में राजघाट को ISBT कश्मीरी गेट से जोड़ने वाली अंडरब्रिज सड़क मलबे और गायों के शवों के कारण बंद हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से प्रशासन की ओर से कोई भी इन शवों को उठाने नहीं आया। गायों के शव संक्रमित होने लगे हैं, इससे क्षेत्र में दुर्गंध आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मृत गाय स्थानीय गौशाला की है। जिन गायों को रेस्क्यू किया गया उन्हें पुल के नीचे बांध दिया गया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि इन गायों की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब इलाके के लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने घरों को लौट सके। बाढ़ का पानी दिल्ली के जिन इलाकों में घुसा वहां अब हालात बेहतर होने की बजाय बदतर हो गए हैं। वहीं ASI का कहना है कि हम दिल्ली के लाल किले से पानी पूरी तरह से कम होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीछे की ओर अभी भी पानी भरा हुआ है। ASI ने कहा है कि एक बार पानी कम होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि लाल किले को किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। यमुना का पानी दिल्ली वालों के लिए आफत छोड़कर जा रहा है, क्योंकि अब निचले इलाकों में सड़कों पर गंदगी का अंबार लग चुका है। सड़कों पर यमुना के पानी के साथ साथ नाले का पानी, कूड़ा कचरा और सीवर की गंदगी भी बह रही है। इसके कारण आने वाले दिनों में कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं बारिश का दौर भी अभी थम नहीं रहा है। रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर बारिश हुई तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। साथ ही दिल्ली में पहले से ही जल भराव की समस्या से जूझ रहे इलाकों में और स्थिति खराब हो जाएगी। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति में रविवार को कुछ सुधार होने पर भैरव मार्ग समेत कुछ सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई। ISBT कश्मीरी गेट से तिमारपुर और सिविल लाइन्स तक रिंग रोड भी खोल दी गई है। इसके अलावा सराय काले खान से IP फ्लाईओवर से राजघाट तक रिंग रोड मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। शांतिवन से मंकी ब्रिज और यमुना बाजार ISBT तक रिंग रोड मार्ग अभी भी बंद है।